बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक के अंदर जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज टॉपिक। मूविंग एवरेज टॉपिक के अंदर लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे, टू ईयर मूविंग एवरेज, क्वार्टरली, फोर ईयर मूविंग एवरेज, सेवन ईयर मूविंग एवरेज के ईयर्स वाइज जो आपके पास डाटा दिया हुआ होता है, आपने ईयर वाइज डाटा को समअप करना होता है और समअप करने के बाद उसको डिवाइड करना होता है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, टाइम सीरीज डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स, एक लीनियर इक्वेशन थी जिसके अंदर आपने y इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स समेशन y इज इक्वल टू एन ए देन समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन बी एक्स का स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस आपने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इनके क्वेश्चन जो हैं वो कल मैं आपको एज असाइनमेंट सेंड करूँगा। ये टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ आज। सेकेंड आपके पास है कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आपके पास जो नॉमिनेटेड होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार देन वाई माइनस वाई बार देन डिवाइडेड बाय एन जरब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फर्स्ट ईयर के अंदर ये तमाम डाटा आपने रीड किया था, अब आपने इसको रिवाइज करना है। किस तरीके से, ये आपके पास ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ जो कि आपके बुक के पेज नंबर 26 पर मौजूद है। पेज नंबर 26 पर ये डाटा 2, 4, 6 और y आपके पास नॉमिनेटेड है 5, 10 एंड 15। आप अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा से आपने रिक्वायर करना होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन आपके पास अनग्रुप डाटा से आपने समेशन x भी कैलकुलेट करना है, समेशन y भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी कैलकुलेट करना है, सेम लाइक इसी तरीके से x माइनस x बार भी कैलकुलेट करना है और y माइनस y बार भी कैलकुलेट करना है। ये तमाम चीज़ें मींस के तीन और तीन छः स्टेप कैलकुलेशन के बाद आपने कोरिलेशन का ये फार्मूला जो है ये अडॉप्ट करना है जो कि आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन में यूज़ होता है। ये कुछ 5 स्टेप्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिए थे, जो कि कोरिलेशंस के अंदर नॉमिनेट करने हैं। कोरिलेशन के अंदर x ऑन y, y ऑन x ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसकी कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो रह गई थी। असाइनमेंट्स मैंने आपसे कहा था कि हम वो मॉडल पेपर में से जो शॉर्ट सिलेबस हो गया था वो क्वेश्चन करेंगे, वो इंशाल्लाह कल मैं आपको तमाम मॉडल पेपर और शॉर्ट सिलेबस के क्वेश्चन जो हैं वो सेंड कर दूँगा। इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर तमाम क्वेश्चन नॉमिनेट कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन उससे पहले आप इस डाटा को सॉल्व कर लेंगे। ये जो डाटा आपके पास बुक में दिया हुआ है वेरी शॉर्ट फॉर्म में है, इसको किस तरीके से करना है, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ये हमने लास्ट टाइम भी की थी। बआसानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर मुझे इसका सेंड करेंगे। इसका आंसर है 0.12। कोरिलेशन हमेशा जीरो पॉइंट्स में होता है और मे बी नेगेटिव भी हो जाए। कोरिलेशन जो भी आपके पास नॉमिनेटेड होगा 0.12 आपके पास मेंशन होगा, दोबारा नॉमिनेट कर रहा हूँ, 0.12 आपके पास कोरिलेशन का जो आंसर आएगा इस तरीके से बकायदा नॉमिनेट किया जाएगा। x ऑन y, y ऑन x आप पेपर के अंदर जिस तरीके से रिक्वायर होगा इन 6 स्टेप्स के बाद नॉमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आंसर जो कि लास्ट फार्मूलाज में हमने डिस्कस किया था। आप इन तमाम क्वेश्चंस को कल पेपर्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी टॉपिक्स हैं इनके फार्मूलाज एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम मॉडल पेपर्स की तरफ कल से इंशाल्लाह शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक का, आपके पास ये टॉपिक्स हैं।